हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू नेहा किचन। आज हम बनाएंगे सूजी या रवा का उत्पम। तो आइए देख लेते हैं इसे बनाएंगे हम किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। एक कटोरी सूजी या रवा, एक कटोरी दही, जितना हम सूजी लेंगे उतना ही हम दही भी लेंगे, बारीक कटा हुआ बंद गोभी, एक टमाटर बारीक कटा हुआ, एक मिर्च बारीक कटा हुआ, थोड़ी शिमला मिर्च बारीक कटे हुए, एक प्याज बारीक कटा हुआ, 1 इंच अदरक ग्रेट किया हुआ, एक टुकड़ा गाजर का इस तरह टुकड़े में कटे हुए, थोड़ी धनिया पत्ती बारीक कटा हुआ, नमक स्वाद अनुसार, और हमें चाहिए बनाने के लिए तेल। तो आइए इस रेसिपी को हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे एक बाउल, इसमें डाल देते हैं हम ये सूजी या रवा, साथ में डाल देंगे हम इसमें दही। हम दही डालते जाएंगे और इस तरह से हम इसे मिक्स भी करते जाएंगे। तो हम डाल देते हैं इसमें ये पूरी दही और आप देख सकते हैं ये कितने अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इस बैटर को 10 मिनट के लिए ढककर छोड़ देते हैं। 10 मिनट हो चुके हैं, हम इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो आप देख सकते हैं हम इसमें डालनी है थोड़ा सा पानी और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पानी आप अपने अंदाज से दीजिएगा, अगर ज़्यादा पानी एक साथ दे देंगे तो हमारा जो ये बैटर है वो काफ़ी पतला हो जाएगा और हमारे उत्तम अच्छे से बन नहीं पाएंगे। तो मैंने यहाँ पे इसे मिक्स कर लिया है। हम डालेंगे इसमें अब ये हरी मिर्च, धनिया पत्ती, ये अदरक। अब डाल देंगे हम इसमें थोड़ा सा नमक, नमक आप अपने अकॉर्डिंग डालिएगा। तो अब इसे हम मिक्स कर लेते हैं। हमारा बैटर थोड़ा गाढ़ा लग रहा है तो हम इसमें डाल देंगे 2 चम्मच पानी और इसे हम मिक्स कर लेते हैं। अब डाल देंगे हम इसमें ये बंदा गोभी को, डाल देंगे हम इसमें गाजर। तो हमारा ये बैटर रेडी है उत्पम के लिए हम बनाएंगे। अब मैंने यहाँ पे ले लिया एक पैन, मैंने पैन को पहले गर्म कर दिया, फिर डाली इसमें मैंने 1 चम्मच तेल, तो मैंने तेल को यहाँ पे फैला दिया है। अब हम लेंगे इसमें 1 चम्मच बैटर और हम बैटर को इस तरह से फैला देंगे। हमें बैटर को ज़्यादा पतला नहीं करना है तो हम इसे बस इस तरह से हल्का सा छोड़ देते हैं करके, और गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। अब क्या करेंगे हम, जो मैंने यहाँ पे टमाटर प्याज और शिमला मिर्च को मिक्स किया था हम डाल देंगे इसके ऊपर। और इसे हम हल्का सा दबा देते हैं ताकि जो हमने यहाँ पे डाला है वो निकले नहीं। और गैस का फ्लेम हम मीडियम में किसे पकाएंगे। हमारा उत्पम अब एक तरफ से सिक चुका है, हम इसे सावधानी से उठाकर पलट लेते हैं। मैंने यहाँ उत्पम पलट दिया और हम गैस का फ्लेम मीडियम में ठीक, वैसे हम इसका दबा दबा कर पका लेते हैं। धीरे से हमारे उत्पम कितना सा कलर आ गया है और हमारी उत्पम में जो इस तरह से टिक चुकी है, हम गैस का फ्लेम मीडियम करते और इसमें हम सावधानी से पलट देते हैं। तो आप देख कितना उसमें कलर आ चुका है। अब हम इसे एक प्लेट पे निकाल लेंगे। तो इसी तरह से हम बाकी उत्पम भी बना लेते हैं। पहले हम इस पर डाल देंगे तेल,
डालेंगे हम इस पे ये बैटर को, और इसे डाल देंगे हम इसमें टमाटर प्याज और शिमला मिर्च को, हल्का हल्का दबा देते हैं और हम इसे टिके देते एक तरफ से। तो मैंने सारे उत्पम बना लिए हैं, हमारे उत्पम अब रेडी है।